हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईजेंसी सॉफ्टवेयर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एक इंश्योरेंस एडवाइज़र अपना बिजनेस इस ऐप के थ्रू कैसे मैनेज कर सकता है, अपने कस्टमर की पॉलिसी को मैनेज करना या उनके रिन्यूअल को ट्रैक करना, ये सारे काम इस ऐप के थ्रू कैसे हो सकते हैं। तो हम सबसे पहले आईजेंसी ऐप को ओपन कर लेते हैं। यदि आप इसमें पहले से रजिस्टर्ड नहीं हैं तो आपको पहले इसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसके बाद अपने एम पिन जो आपने क्रिएट किए हैं उसी एम पिन से इसमें आप लॉगिन करेंगे। एक बार आप इस ऐप में लॉगिन कर लेते हैं तो आपको कुछ इस तरह से इसका डैशबोर्ड दिखता है। इसमें सबसे पहले जो लिखा है माई बिजनेस, इसी पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो जो आपने कस्टमर की पॉलिसी को यहाँ ऐड किया है वो यहाँ से आपको लिस्ट आउट हो जाती है। जैसे आपको पहले दिख रहा है टेस्ट प्राइवेट कार के नाम की पॉलिसी, ये कोई पॉलिसी ऐड की हुई थी पहले से जो आपको यहाँ पे शो हो रही है। ये आप इसमें इस पॉलिसी को कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं या आपको इसकी डिटेल देखनी है तो इस पर क्लिक करके आप इसकी सारी डिटेल देख सकते हैं। इसमें आपको कंप्लीट डिटेल शो हो जाती है और पॉलिसी भी डाउनलोड हो जाती है। तो आज इसी तरह हम एक पॉलिसी को ऐड करके देखेंगे कि पॉलिसी को ऐड कैसे कर सकते हैं और उसका रिन्यूअल कैसे ट्रैक कर सकते हैं। तो एक डेमो आज हम पॉलिसी ऐड करके में रिन्यूअल को सिलेक्ट करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले इसको रिन्यूअल को सिलेक्ट करते हैं। प्लस आइकन दिया हुआ है, हमें सिलेक्ट करना होता है व्हीकल कैटेगरी। जैसे हम प्लस आइकन पे क्लिक करते हैं पॉलिसी ऐड कर रहे हैं फॉर्म लोड हो जाता है। कौन सा है, टू व्हीलर है, प्राइवेट कार है, आपको सबसे पहले या मिसेलेनियस है या टाइप ऑफ व्हीकल, जो भी व्हीकल का कैटेगरी है पॉलिसी ऐड करेंगे सिलेक्ट करेंगे। मैं एग्जांपल के तौर पे ओल्ड है, टू व्हीलर सिलेक्ट करता हूं। ओल्ड है तो आप हम जब टू व्हीलर सिलेक्ट कर लेते हैं या हम पॉलिसी टाइप सिलेक्ट करने को टिक करेंगे, पॉलिसी टाइप के अकॉर्डिंग आपको आगे जाके टाइप ऑफ व्हीकल पॉलिसी टाइप सिलेक्ट करने को मिलेगा व्हीकल का। इसलिए हमने यहां पे एग्जांपल के तौर पे रिन्यूअल को और व्हीकल कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको पॉलिसी टाइप मिलता है। तो यहाँ से मैं आपको एग्जांपल के तौर पे पैकेज पॉलिसी सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस पॉलिसी को आप ऐड कर रहे हो उसका पॉलिसी टाइप कैसा है आप उसके अकॉर्डिंग उसको सेलेक्ट कर सकते हो। पॉलिसी टाइप सेलेक्ट करने के बाद आपको उस गाड़ी का मेक सेलेक्ट करना होता है, यानी वो कौन से मैन्युफैक्चर की गाड़ी है। तो हम मैन्युफैक्चर पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमें लिस्ट मिल जाती है। इसमें से मान लो कि मेरे को होंडा की कोई गाड़ी है जिसका ये पॉलिसी ऐड करना है, तो मैं यहाँ से होंडा सेलेक्ट कर लेता हूँ। होंडा सेलेक्ट करने के बाद मुझे उसका मॉडल सेलेक्ट करना है, यानी वो कौन सी एक्टिवा है या कोई और दूसरा व्हीकल है, साइन है। तो मुझे यहाँ पर जैसे मॉडल पे टिक करूँगा मेरे को इसमें से मॉडल सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आ जाएंगे, लिस्ट आ जाएगी। इसमें से मैं अपना जो मॉडल है वो सेलेक्ट कर लूँगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक्टिवा सेलेक्ट करता हूँ। ये सेलेक्ट करने के बाद हमें फ्यूल टाइप सेलेक्ट करना होता है कि वो व्हीकल कौन से फ्यूल पर चलता है। तो मैं यहाँ पर पेट्रोल सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मुझे उसका वेरिएंट सेलेक्ट करना है, तो अब उसके अकॉर्डिंग मैं अपना वेरिएंट सेलेक्ट कर लूँगा। वेरिएंट सेलेक्ट करने के बाद क्यूबिक कैपेसिटी और सीटिंग कैपेसिटी आपको प्रीफिल्ड मिल जाता है। यदि उसमें कुछ चेंज है, आपको जैसे क्यूबिक कैपेसिटी 110 की जगह 109 करना है तो आप कर सकते हो, सीटिंग कैपेसिटी आप 2 की जगह 1 करना हो, 3 करना हो, तो वो सब एडिटेबल है, आप उनको एडिट करके सेव कर सकते हैं। अब इसके बाद हमें व्हीकल नंबर के दो बॉक्स दिखते हैं। पहले वाले बॉक्स में आपको उसका RTO सेलेक्ट करना है, यानी पहले 4 कैरेक्टर उसके कौन से हैं वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मेरे पास महाराष्ट्र नंबर की कोई पॉलिसी है जिसको मैं ऐड कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ से वो RTO लिखना है या सिटी लिखना है, हम दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मुझे मुंबई लिखना है तो भी मैं उसे मुंबई से भी सर्च कर सकता हूँ, और चाहे तो मुझे MH05 करना है तो मैं MH05 करके भी उसको सर्च कर सकता हूँ। तो एग्जाम्पल के तौर पर इसी MH05 को ले लेते हैं। इसके बाद जो दूसरा बॉक्स है इसमें आपको कैपिटल लेटर्स में वो सारे नंबर लिखने हैं, उसके 2 कैरेक्टर और 4 नंबर। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं XX1234 ले लेता हूँ। इसके बाद आप देखेंगे कि जोन है वो ऑटो प्रीफिल्ड मिल जाता है। ये RTO के अकॉर्डिंग और व्हीकल कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको जोन प्रीफिल्ड मिल जाता है। इसके बाद आपको उस व्हीकल का जो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो सिलेक्ट करना रहेगा, तो मैं यहाँ पे उसका डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने डेट एग्जाम्पल के लिए लिए, आप जो आपके RC पे आपको मिले वो आपको लेनी है। इसके बाद मुझे NG नंबर डालना है। इसमें एटलीस्ट आपको 6 कैरेक्टर तो पीछे के डालने ही हैं। आप इसे ज़्यादा बड़ा नंबर डालना चाहें तो भी डाल सकते हैं, लेकिन आपको लास्ट के 6 कैरेक्टर तो इसको मिनिमम लेने ही हैं। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर 1 2 3 4 5 6 ले लेता हूँ, और ऐसे ही चेसिस नंबर में मैं 6 5 4 3 2 1 ले लेता हूँ। अब हमारे पास यदि कोई प्रीवियस पॉलिसी अवेलेबल है तो हम उसको यस कर सकते हैं, उसकी डिटेल भी हम ऐड कर सकते हैं, जिससे हम NCB को भी मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं
प्रीवियस पॉलिसी को यस कर देता हूँ। फिर हमें पूछता है कि प्रीवियस पॉलिसी का टाइप क्या है, वो पहले वाली पॉलिसी जो प्रीवियस पॉलिसी है वो थर्ड पार्टी है या कॉम्प्रिहेंसिव है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे कॉम्प्रिहेंसिव सेलेक्ट करके दिखाता हूँ, जिससे आपको सारी डिटेल्स में दिख जाएगी। कॉम्प्रिहेंसिव सेलेक्ट करके हम उसको नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट करते हैं, हमें प्रीवियस पॉलिसी की एक्सपायरी डेट मांगता है, तो हम इसमें ऐड कर लेते हैं कि जैसे वो पॉलिसी आने वाले 2 दिन बाद में एक्सपायर होने वाली है। अब हम उसके बाद में उसके इंश्योरेंस कंपनी का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं, तो मैंने बजाज का नाम यहाँ सेलेक्ट किया है। उसका हम पॉलिसी नंबर दे सकते हैं, कुछ भी जो पॉलिसी नंबर वो आप दे सकते हो। यदि आपने क्लेम लिया है तो यस, और नहीं लिया है तो नो कर सकते हैं। जब आप नो करेंगे तो आपको प्रीवियस एनसीबी पूछी जाएगी। तो एग्जाम्पल के तौर पर मान लो मैं 20 सेलेक्ट करता हूँ। अब प्रीवियस एनसीबी से होगा क्या कि जब आप जैसे प्रीवियस एनसीबी सेलेक्ट करेंगे, आप नीचे देखेंगे कि जो करंट एनसीबी है वो 25 ऑटोमेटिक हो गई है। यदि मैं इसको चेंज करता हूँ 20 से 25, तो करंट एनसीबी 35 हो जाएगी। इसको यदि मैं 0 कर देता हूँ तो 20 हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली सिस्टम अपने आप से ले लेता है, इसमें आपको कुछ करना नहीं होता है। तो मैं एग्जांपल के तौर पे फिर से 20 ले लेता हूँ। अब मैं जो नई पॉलिसी बनी है उसकी डिटेल सेव करूँगा। तो उसके लिए मैं जो इस कंपनी में पॉलिसी बनी है उसका नाम सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद मैं उसका पॉलिसी नंबर एंटर करूँगा। फिर मैं उसकी पॉलिसी की स्टार्ट डेट और एंड डेट सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पर मैं आपको डेमो के लिए जो पॉलिसी अगले 2-3 दिन में एक्सपायर होने वाली है ऐसी डेट सेलेक्ट करता हूँ। तो मैं डेट के लिए यहाँ पिछले साल की डेट ले लेता हूँ, 14 मई 2022, और ये एक्सपायर होने वाली है 13 मई 2023 को। ठीक है, आईडीबी के लिए हम इसमें 1 लाख ले लेते हैं। अब इसमें आपने कुछ एड ऑन भी दिया है तो वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर 0 DAF ले लेता हूँ। यदि उस गाड़ी में फाइनेंस भी है तो आप इसको टिक कर सकते हो। टिक करेंगे तो फाइनेंस कंपनी का नाम आपको एंटर करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। चलिए यहाँ पे HDFC सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद में आपने जो नई पॉलिसी बनाई है उसमें क्या क्या प्रीमियम आपने ऐड किए हैं वो आपको यहाँ से ऐड करने। तो मैं यहाँ 1000 रुपये ले लेता हूँ ओडी प्रीमियम में, 500 रुपये ले लेता हूँ मैं टीपी प्रीमियम में। ये दोनों प्रीमियम काउंट होकर नेट प्रीमियम आपका शो हो जाता है ऑटोमेटिक सिस्टम से। अब आपको इसमें GST ऐड करना रहेगा, तो मैं इसमें GST ऐड कर लेता हूँ 250 रुपीज़। तो आपको फाइनल प्रीमियम मिल जाता है आपकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग। अब हम इसको नेक्स्ट क्लिक करेंगे। नेक्स्ट में हमें कस्टमर की डिटेल फिल करनी होती है, तो यहाँ पे हम टेस्ट बुकिंग के नाम से एक कस्टमर बना लेंगे। अब इसके बाद में मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस और पोस्टल कोड, ये सारे फील्ड ऑप्शनल है। आप चाहे तो इनको नहीं भी भरेंगे तो आप आगे प्रोसेस कर सकते हो, और आप बढ़ना चाहे तो उसमें बढ़ सकते हो। तो एग्जांपल के लिए मैं ये बढ़ लेता हूँ। ईमेल में ब्लैंक छोड़ देता हूँ और एड्रेस में ब्लैंक छोड़ देता हूँ। पिन कोड का मैं आपको दिखा देता हूँ कि यदि मेरे पास में पिन कोड अवेलेबल है तो मैं पिन कोड को कैसे एंटर कर सकता हूँ। जैसे मैं पिन कोड डालूंगा तो उसका सिटी और उसका स्टेट ऑटोफिल आ जाएगा। अब मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद हमें इसमें सारे कस्टमर की जो इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमें ये हमारे कमीशन की डिटेल ऐड करने के लिए ऑप्शन देता है। तो इसमें हम सबसे पहले हम वो ब्रोकर या एजेंसी सेलेक्ट करेंगे जिसके कोड में हमने पॉलिसी बनाई। यदि वो हमारा खुद का कोड है तो हम हमारा कोड सेलेक्ट कर लेंगे। हमने किसी ब्रोकर के थ्रू बनाई है तो वो ब्रोकर का नाम सेलेक्ट कर लेंगे, जिससे हमें कभी भी इन फ्यूचर उस पॉलिसी रिलेटेड किससे कांटेक्ट करना है ये हमें पता रहेगा। यदि आपके पास पहले से बने हुए हैं तो आपको इसमें लिस्ट में दिख जाएंगे। जैसे मेरे पास ये एक ब्रोकर बना हुआ है टेस्ट ब्रोकर, ये मेरे पास लिस्ट में आ गया। यदि आपके पास नहीं बना हुआ है तो आप ये प्लस का आइकन क्लिक करके नया भी बना सकते हो इस तरह से। तो अभी मेरे पास वैसे बना हुआ है तो मैं लिस्ट में से ले लेता हूँ टेस्ट ब्रोकर। अब इसी तरह जिस तरह आपने ब्रोकर ऐड किया है उसी तरह आपका कोई सब एजेंट है जो उसने आपको रेफरेंस दिया हो उसको भी आपको मेंटेन करना हो कि ये पॉलिसी का रेफरेंस आपको कहाँ से मिला था, तो भी वो आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। उसके लिए इस लिस्ट में आपके पास जो पहले से हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। यदि वो उसमें नहीं है तो आप न्यू प्लस पे क्लिक करके न्यू सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे भी मैं एक बार जो पहले से डमी है उसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो टेस्ट सब एजेंट है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हमें अपनी कमीशन डिटेल डालनी रहती है कि जो हमें कमीशन मिलने वाला है और जो हम आगे देने वाले हैं। तो हम सबसे पहले परसेंटेज वाले सिस्टम से ही चेक कर लेते हैं। जब हम परसेंटेज पे क्लिक करते हैं तो हमें 3 ऑप्शन दिखते हैं, ओडी प्रीमियम, टीपी प्रीमियम और नेट प्रीमियम। अब हमें कमीशन कौन से वाले
पार्ट पे मिलने वाला है वो हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे। मान लो मुझे ओडी पे मिलने वाला है, तो मैं जैसे ओडी पे क्लिक करूंगा और वैल्यू डालूंगा 10। तो जैसे हमने ओडी प्रीमियम 1000 डाला था, तो उसका 10% होके 100 रुपये बन गया। मान लो ये 0 है, लेकिन मुझे टीपी पे मिलने वाला है 5%, तो वो मैं 5 यहाँ डालूंगा, तो वो टीपी प्रीमियम पे कैलकुलेट होके 25 रुपये हो गया, क्योंकि हमने वहाँ पे 500 रुपये ऐड किए थे। ऐसे मल्टीपल भी कर सकते हैं कि मुझे दोनों पे मिलने वाला है तो मैं दोनों भी ऐड कर सकता हूँ, और मुझे चाहे तो नेट पे भी ऐड करना है तो मैं नेट पे भी ऐड कर सकता हूँ। मान लो 2% मैंने नेट पे डाल दिया है। तो इस तरह से हम हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग ओडी प्रीमियम, टीपी प्रीमियम या नेट प्रीमियम, इसमें से जिस पे भी हम, जिस पार्ट पे हमें कमीशन मिलने वाला है वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये हुआ हमारा कमीशन रिसीवेबल, हमें कमीशन जो आने वाला है। यदि हमने किसी को, हमने किसी ने हमको रेफरेंस दिया है, तो उसे हमने कुछ कमिट किया है, तो हम वो भी यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे मैं ये कह रहता हूँ कि नेट पे मैंने उसको 5% देने का बोला था, कि जो होगा उसका 5% मैं दे दूंगा, ठीक है। इसके बाद मुझे ये सब कमीशन डालने के बाद मुझे इसकी पॉलिसी अपलोड करनी है। अब मैं इसको पॉलिसी अपलोड करने के लिए इस पर क्लिक करूँगा, और कुछ भी पॉलिसी या कुछ भी जो फाइल मेरे पास में अवेलेबल है वो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। PDF सेलेक्ट करने के बाद में मैं इसको सबमिट कर दूँगा। जैसे मैं सबमिट करता हूँ, मेरी बुकिंग ऐड हो जाती है, वो पॉलिसी ऐड हो जाती है। सबसे पहले आप देखेंगे कि आपको कस्टमर का नाम, व्हीकल नंबर, मेक मॉडल और उसका पॉलिसी पीरियड आपको यहाँ से दिखने लगता है। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे ऊपर आपको कंपनी का लोगो और नीचे उसका आइकन दिखता है, व्हीकल कैटेगरी। तो अभी हमने टू व्हीलर का ऐड किया था, इसलिए हमें बाइक का आइकन दिख रहा है, और हमने डिजिट की में पॉलिसी बनाई थी, इसलिए हमें डिजिट का लोगो दिख रहा है। राइट साइड में आप देखेंगे तो आपको 3 डॉट का बटन दिखता है। तो इस 3 डॉट पर आप जैसे क्लिक करते हैं, आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। इस पॉलिसी को आप एक तो एडिट कर सकते हैं और इसको आप डिलीट कर सकते हैं। मान लो कस्टमर ने पॉलिसी आपसे कैंसिल करवा दी, आपसे वो पॉलिसी का रिफंड आ गया है, या आपने वो पॉलिसी की एंट्री गलत कर दी है, आपको उसको नहीं रखना है, तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हो, और चाहो तो आप उसको एडिट भी कर सकते हो। आपको कुछ भी इस डिटेल में जो भी चीज़ आपने ऐड की है उसमें कुछ भी चेंजेस करने हैं वो आप यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा जो डाउनलोड का बटन है, इस पर क्लिक करके हम जो हमने पॉलिसी ऐड की थी वो हम यहाँ से फिर से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि कस्टमर को भेजनी है तो हम उसको फिर से डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये जो हमने पॉलिसी ऐड की है, इसका रिन्यूअल मैंने बताया था कि 13 तारीख हमने इसकी एक्सपायरी डेट से लेकी है, तो इसका हमें रिन्यूअल कैसे देखने को मिलेगा? हम एक स्टेप बैक आएंगे, माय बिजनेस से वापस बैक आते हैं होम स्क्रीन पे। जैसे हम होम स्क्रीन पे आते हैं, हमें माय स्क्रीन, माय बिजनेस के नीचे ही हमें माय रिन्यूअल का आइकन दिखता है। हम इसको जैसे ही टिक करते हैं, हमारा इसमें 3 रिन्यूअल्स हो रहे हैं। पहला आइकन आपको दिखा रहा है, पहला आपको पॉलिसी दिखा रहा है कि एक्सपायरिंग इन 3 डेज, यानी ये पॉलिसी एक्सपायर होने वाली है। ये वही पॉलिसी है जो हमने अभी ऐड की थी। इससे पहले वाली 2 पॉलिसी जो आपको नीचे दिख रही है, ये एक्सपायर्ड हो चुकी है। तो इनके कलर भी आपको राइट साइड में आप देखेंगे तो रेड हो रखे हैं, और जो एक्सपायर होने वाली बाकी है वो आपको ग्रीन है। इसे आपको तुरंत पता चल जाता है कि आपकी कौन सी पॉलिसी अभी एक्सपायर होने वाली है, तो आपको इसको फिल्टर करने में आसानी रहती है, उस पर फोकस करने में आपको इजीनेस रहता है। एक बार हम फिर से इस पर क्लिक करेंगे तो हम इसकी सारी डिटेल जो हमने एंटर की थी वो हम यहाँ पे देख पाएंगे। IDV, OD प्रीमियम, TP प्रीमियम, कमीशन हमें कितना आना था। जैसे हमने डाला था कि 155 आने वाले हैं और 75 रुपीज़ हम किसी को देने वाले हैं, तो हमारा इन हैंड क्या बचने वाला है, वो डिटेल भी हमें यहाँ पे शो होती रहती है साथ ही साथ। तो आप ये सब देख ही सकते हैं कि ये सब डिटेल आपको किस तरह से दिखती है। एक बार और बैक चलते हैं वापस से, और अब जो माय रिन्यूअल के बाजू में रिपोर्ट का बटन है, इसको एक बार देखते हैं कि हम इससे रिपोर्ट कैसे निकाल सकते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जितनी भी पॉलिसी बनी हुई है वो पहले यहाँ से आपको सारी पॉलिसी यहाँ शो होने लगेगी। अब इसके ऊपर जो सबसे राइट साइड में सबसे ऊपर जो फिल्टर का बटन है, हम उसको टिक करते हैं। अब फिल्टर का बटन टिक करके आप इसमें से अपने अकॉर्डिंग सारी रिपोर्ट्स को फिल्टर कर सकती हो। यदि आपको किसी टू व्हीलर की ही रिपोर्ट देखनी है तो सिर्फ आप व्हीकल कैटेगरी में टू व्हीलर करेंगे और उसको अप्लाई कर देंगे, तो आपको 3 में से 1 पॉलिसी हट गई है। अब ये 2 बची है, दोनों टू व्हीलर हैं। यदि मैं वापस से इसको ऑल करके अप्लाई कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि ये तीनों 3 पॉलिसी वापस आ गई है। एक जो कार की है, जो सेकेंड नंबर वाली, वो भी अब शो होने लगी है। यदि मैं वापस से आके इसको कार कर देता हूँ, मुझे सिर्फ कार की देखनी है, तो मेरे को अभी 1 पॉलिसी दिखाई दे रहा है। ऐसे में इसको फिर फिल्टर कर सकता हूँ कि मुझे GCV की देखनी है, तो क्लिक करूँगा तो नो डेटा अवेलेबल आ गया, क्योंकि इसमें कोई भी GCV की पॉलिसी नहीं है। अब मैं इसको ऑल कर देता हूँ। अब इसमें चाहे तो किसी ब्रोकर के हिसाब से भी पॉलिसी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपको कुछ सब एजेंट है, उसका देखना है कि उसने कितना पॉलिसी आपसे करवा रखी है, तो आप वो सेलेक्ट करके अप्लाई करेंगे तो उसका डेटा आ जाएगा। यदि मान लो आपको
सारा वापस रीसेट करना, तो रीसेट पे कर सकते। आपको देखना है कि इस मंथ आपने कितना बिजनेस किया, तो वो डेट डाल सकते हो, कोई भी डेट डाल सकते हो, मंथली ईयरली कितना भी आप डाल सकते हो। तो मैं यहाँ से 1 मई से लेके 31 मई तक का आपको डेटा फिल्टर करके दिखाता हूँ। माफ कीजिएगा, क्योंकि हमने जो पॉलिसी अभी एड की थी वो पिछले साल 22 की एड की थी, तो इस हिसाब से मैं इसको पहले डेट को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो हमारा वो बुकिंग डेट आ गया जब हमारी पॉलिसी हमने ऐड की थी, जिस तारीख से मैंने ऐड की थी। तो इस तरह से आप इस ऐप के थ्रू अपने जितने भी कस्टमर हैं उनकी सारी पॉलिसी को आप यहाँ ऐड कर सकते हो, उनके रिन्यूअल को आप ट्रैक कर सकते हो, और आप अपना रिपोर्ट निकाल के देख सकते हो कि आपका इस महीने कितने रिन्यूअल आने वाले हैं, ब्रोकर वाइज कितने आने वाले हैं, किसी सब एजेंट वाइज कितने आने वाले हैं, या किस प्रोडक्ट के कितने रिन्यूअल हैं, कितनी बुकिंग हुई है, वो सारा डेटा आप यहाँ से फिल्टर करके आप अपने अकॉर्डिंग रिपोर्ट निकाल सकते हो। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।